इंटीग्रेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व व्हिच इज द पैराबोला y² + x² + 2 एंड लाइन y² + x² + 3। तो इसको इंटीग्रेट करने से पहले अर्थात एरिया निकालने से पहले सबसे पहले इसको इसकी ट्रेसिंग करते हैं, पैराबोला है। आइए देखते हैं, लेट अस स्टार्ट द गिवन इक्वेशन या द गिवन पैराबोला की क्वेश्चन। y² है x² + 2, यू में राइट x² = y² तो जो इसका जो बच्चों वर्टेक्स होगा ना वो कहीं ना कहीं जीरो वर्टेक्स होगा। कैसे आप इस तरह सोचो, ठीक है, सो वर्टेक्स बिकम 0 2, तो आप इसके डिस्टेंस कैसे करोगे। इसका वर्टेक्स जो है वाई एक्सिस पे लाइन करेगा, ये ओरिजिन है, सपोज दैट यही है, और x का पावर 2 है, सो इट बिकम सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। तो आपका जो पैराबोला होगा बच्चों कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो चलो इसकी तो ट्रेसिंग हो गई, y² + x का एक लाइन होगी। अब ये लाइन हमेशा कहाँ से पास करेगा बच्चों, ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो ये पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगा, अदरवाइज इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले चेक करो क्या y² विच इज अ लाइन इंटरसेक्टिंग द पैराबोला। उसके लिए आपको पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये पैराबोलिक कर्व है, मान लो 1 है, ये लाइन है, मान लो इक्वेशन 2 है, दोनों को सॉल्व करिए। अगर इसके रूट्स रियल आते हैं तो कह सकते हैं कि दोनों कर्व यानी पैराबोला और लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर रूट्स रियल नहीं आते हैं तो नॉन इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। पहले चेक करते हैं ना प्रोसेस है। आइए देखते हैं y और x रखते हैं इस क्वेश्चन में, x = x² + 2 या x² - x + 2 = 0। इसको सॉल्व करने से पहले सिंपल डी निकालो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, क्लास 10 में हमने पढ़ा होगा। अगर डी का मान -2 आता है तो इसका रूट्स रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। उस केस में हम कहेंगे कि लाइन y² = x डज नॉट इंटरसेक्टिंग द पैराबोला विच इज y² = x² + 2। आइए देखते हैं b², यहाँ बी -1 है, -4ac, ये आपका 1ac, आपका 2 है। तो आप चेक करो ये -9 आ रहा है जो कि -2 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो बच्चों ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं अगले टॉपिक पे, मतलब इसका जब ट्रेसिंग कर चुके हैं बच्चों, तो जैसा कि आपको पता है कि अब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इस वजह से हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं, ये y² = x हो गया, ये पैराबोला हो गया। फिर कह रहा है कि हमें उस बाउंडेड रीजन, चूंकि अभी तो अनबाउंडेड रीजन है, लेकिन कह रहे हैं x = 1 और x = 3। देखो x = 1 मान लो ये लाइन है, 100% से पैराबोला को भी कट करेगा लाइन को भी, और x = 3 सपोज दैट, थोड़ा इसको सपोज x = 3 वाली लाइन है, ठीक है। यानी यहाँ पे x² = 1 है, यहाँ पे x² = 3 है, ठीक। तो बाउंड्री रीजन क्या होगा जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ। देखो ये आपका बाउंड्री रीजन है जो 1 और 3 के बीच में लाइन कर रहा है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एक स्ट्रिप लीजिए, ये हमने लिया, तो कर सकते हैं एरिया ऑफ रीजन क्या होगा। देखो अपर स्ट्रिप इसको टच कर रहा है पैराबोला को, कहेंगे y ऑफ पैराबोला और पैराबोला है क्या, देख सकते हो y = x² + 2 माइनस आगे नीचे लिख रहे हैं y ऑफ लाइन, लाइन क्या बच्चों y = x। अब जो भी कुछ लिख रहे हैं वो बाहर dx हो जाएगा और इंटीग्रेशन चलेगा 1 से लेकर 3 तक, यहाँ 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन 1 2 3 y ऑफ पैराबोला, आप मतलब y की जगह पर रखोगे x² + 2 एंड y ऑफ लाइन y² = x, अर्थात ये x हो जाएगा। अब फर्दर इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो बच्चों देखो x² का इंटीग्रेशन होगा x³/3, 2 का इंटीग्रेशन होगा बच्चों 2x, और x का इंटीग्रेशन होगा x² / 2। अब इसका अपर लिमिट है 3, लोअर लिमिट है 1। पहले अपर लिमिट रखते हैं, देखो x वैल्यू जब 3 रखोगे, 3 3 9 3 27 27 / 3 9 हो जाएगा, प्लस 2 * 3 6 हो जाएगा,
माइनस 3 स्क्वायर बाई 2 अर्थात 9 बाई 2 हो जाएगा। ये आपका अपर लिमिट से डेटा इतना आएगा। लोअर लिमिट 1 रखो, 1 बाई 3 प्लस 2 माइनस 1 बाई 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो 9 प्लस 6 15 होता है, मैं यहाँ की तरह हूँ, -9/2। ओके अब देखो यहाँ से समझ लो, -1/3 -2 और +1/2। अब आप देखो 15 -2 13 होगा बच्चों, और -9/2 -1/3 और +1/2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते, देखो -9/2 -4.5 होगा, आगे 0.5 होगा, ऐड होगा तो -4 हो जाएगा। अब -4 30 -4 -9 क्या होता है, 9 होता है, 9 -4/3 27 -3 है, इसको मिला करके आपका आएगा जो 26/3 स्क्वायर। चेक कर लेंगे कैलकुलेशन, आप कर सकते हो अपने तरीके से भी। ठीक है अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व y = x² and y = 2x - x² एक्चुअली बच्चों यहाँ देखो ध्यान से, तो दोनों कर्व जैसे हैं पैराबोलिक है, तो पहले हम दोनों कर्व के लिए ट्रेसिंग करते हैं, तो ये तो आसान है, पर इसको देख लेते हैं। द गिवन इक्वेशन या तो गिवन कर्व क्या है, y = 2x - x², आप इसको ऐसे लिखो, आप चाहो पहले माइनस कॉमन लेकर के एक्स स्क्वायर को जो कोफिशिएंट उसको पॉजिटिव कर दो। अब देखो x² - 2x है, अपने क्लास टेंथ में मेथड ऑफ द कंप्लीट स्क्वायर पढ़ा था क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वाले चैप्टर में, वहाँ पे कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। देखो यहाँ x का जो रूमेन कोफिशिएंट है 2 है, तो 2 का 2 से डिवाइड करो 1 आएगा, अब उसका होल स्क्वायर करो तो 1 स्क्वायर होगा, तो वही 1 स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये सब चीज़ें क्लास टेंथ में आपने पढ़ा होगा, या आगे का जो तीन टॉपिक कहीं ना कहीं x मैक्सिमम का होल स्क्वायर है, ये तो -1 स्क्वायर 1 हो जाएगा। चाहो तो तुम क्या करो, -y को -1 ट्रांसफर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस रीजन ला लो 1 - y, या हम चाहेंगे इसमें से y कॉमन ले लो, और ये क्या है जो x - 1 का होल स्क्वायर, चेक कर लो। ठीक है तो आप देखो यहाँ पे इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है ना, ये 1 और 1 है। क्या बताया था मैंने, अगर आपका पैराबोला कुछ इस फॉर्म में हो तो उस केस में जो इसका जो वर्टेक्स होता है क्या होता है, एच के होता है, और इसका जो कर्व होता है समझ लो ये x का पावर 2 है तो सिमेट्री अबाउट yx होगा, तो इसका कर्व कुछ ऐसे हो सकता है। ठीक है मान लेते हैं इसका सेंटर है, सॉरी वर्टेक्स के इधर है, ठीक है ना, लेकिन अगर आगे निगेटिव लग जाएगा तो ये पैराबोला डाउनवर्ड हो जाता है, सॉरी x का पावर 2 है तो सिमेट्री अबाउट yx होगा। ठीक तो है, x का पावर 2 है तो सिमेट्री अबाउट yx है, सही है। तो ठीक है तो पहले हम तो इसका ट्रेसिंग करते हैं। अब देखो कि इसका जो वर्टेक्स है 1 1 है, आइए पहले इसके प्लॉट करते हैं। देखो 1 1 समझ लो यही 1 1 है, और x का पावर इवन है, तो इट बिकम्स, x का पावर जब इवन होता है तो सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है, तो सिमेट्री अबाउट y एक्सिस आपका ये है, या तो y एक्सिस होगा या y एक्सिस के पैरेलल के सिमेट्रिक होगा। तो बच्चों जो भी ये जो कर्व होगा ना, या तो ऐसे दिखेगा या तो आपको ऐसे दिखेगा, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है इसलिए डाउनवर्ड होगा। ठीक है ना, इतना बन जाता है। तो वर्टेक्स करने का सेंस क्या है कि इस पैराबोला का वर्टेक्स 1 1 है, और ध्यान दो ये जो पैराबोला होगा वो ओरिजिन से पास करेगा, कैसे जाना, देखो y बराबर है 2x - x², तो कहीं ना कहीं 0 = 0, x वैल्यू 0, y वैल्यू 0, यानी ओरिजिन टच करो 0 = 0, इट मीन दैट ये जो पैराबोला होगा वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा, और साथ ही साथ ये पैराबोला होगा वो x एक्सिस को भी कट करेगा। ये बताओ जाहिर सी बात, ये पैराबोला ऐसे कट करेगा, तो कोई भी पैराबोला अगर x एक्सिस को कट करता है उस केस में y की वैल्यू क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। अब बताओ कि x एक्सिस जब कट करेगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो चाहो तो ये पॉइंट निकाल सकते हो,
तो y की वैल्यू जब 0 रखोगे तो x की वैल्यू देखो 2 आएगा और 0 आएगा, तो 0 तो ये है ही, यहां पे किस पॉइंट पर कट करेगा 2 पे, यानी 2 0 पे कट करेगा। आप चेक कर सकते हो, देखो यही मैं क्या कर दूं, पुट y = 0 व्हेनेवर इक्वेशन या कोई भी कर्व कटेक्ट द x एक्सिस देन टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन द x एक्सिस वी हैव टू पुट y = 0 क्योंकि x एक्सिस पे y = 0 होता है। तो y = 0 रखोगे बच्चों तो यहां से x की वैल्यू 2 आएगी, एक 0 आएगा 2 आएगा, x = 0 यहां पर है ही है और यहां x वैल्यू 2 है। चलिए अब चलो इसकी ट्रेसिंग करते हैं, y = x2 इट आल्सो अ पैराबोला व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड यानी वर्टेक्स का ओरिजिन यानी 0 0 है और सिमेट्री ऑन y एक्सिस है, वो y एक्सिस है। साथ ही साथ बच्चों ये भी चीज मैं बता देता हूं कि तुम दोनों इस पैराबोला को सॉल्व करो, जब सॉल्व करोगे तो जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा 1 1 आएगा। अब चेक कर लो, अब चेक कर लो 1 1 आता है कि नहीं आता है, यानी किसी पॉइंट से पास करेगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है 1 1 पॉइंट आपको से एक दो कर्व पास करेगी, आप देख लीजिएगा कितनी ट्रेसिंग आपको पता होना चाहिए। आइए वैसे जानते हैं 1 1 में जाएगा कि नहीं जाएगा, आइए देख लेते हैं। चलो देखो ये 1 है मान लो, y = x² मान लो इक्वेशन 1 है एंड दूसरा है y = 2x - x² तो 2 मान लो, तो फ्रॉम 1 एंड 2 यानी जहां y हम x² करते हैं 0 तो है, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इधर आए तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। देखो अभी भी हमारा इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, आप समझ सकते हो गुणा करने के लिए x की वैल्यू 0 आएगी या x की वैल्यू 1 आएगी। देखो जब x का मान 0 होगा तो y 0 होगा, तो 0 0 पर पॉइंट हो जाएगा। देखो दोनों पर आप समझ लीजिए ओरिजिन पे कट कर रहे हैं और जब आप करते हो x = 1 है तो y = 2 के 1 होगा और पॉइंट होगा 1 1। आप देखो 1 1 अब यही हमारा बाउंड्री है, इसके लिए कैसे फाइंड करते हैं, आप एक स्ट्रिप लेते हैं, स्ट्रिप लेते हैं ओके। तो आप देखो जो स्ट्रिप का जो अपर पार्ट है आपको नॉर्मल पर हमारा पता चल रहा है, आपका नॉर्मल पर हमारा कौन है 2x - x2 है। ठीक है इसका एरिया कैसे निकालते हैं, बाउंड्री का एरिया इक्वल टू के बोलते हैं लिमिट चलेगा x = 0 है, यहां पे x = क्या 2 1 है तो 0 2 1 तक चलेगा। y आप अपर पैराबोला, y आप इक्वेशन अपर पैराबोला को टू कर रहे हैं मान लो, माइनस y आप इक्वेशन लोअर पैराबोला कौन है बच्चों, लोअर पैराबोला हमारा ये है जिसको 2 बोल रहा है, सॉरी इक्वेशन 1 बोल रहा है और dx फिर से देखो इक्वेशन 2 कौन है, इक्वेशन 2 कौन है ये डाउनवर्ड पैराबोला है और इक्वेशन 1 कौन है ये हमारा अपवर्ड पैराबोला है। तो ये चीज़ देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अगर आप ट्रेसिंग सीख गए, ट्रेसिंग करना जान गए तो आप आराम से डिबेट कर लोगे। ठीक है अब आते हैं रखते हैं एरिया इक्वल टू, सो एरिया बराबर लिमिट चलेगा 0 to 1 ओके। एरिया ऑफ इक्वेशन 2 वाई के लिए देखो क्या है, सॉरी वाई ऑफ इक्वेशन 2 वाई के लिए माइनस वाई ऑफ इक्वेशन 1 ये है तो एच स्क्वायर ही रहेगा, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए 2x माइनस 2x स्क्वायर और dx कर दो। चलिए इंटीग्रेट करिए 2 इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन 2 इंटू सॉरी सॉरी हाँ ठीक तो है, चलो बहुत कॉमन ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, एक्स क्यू बाई 3 और अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट है 0। बच्चों अपर लिमिट रखते इसमें तो जो उसको कंट्रोल 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अपर लिमिट यहाँ रखो तो 1 2 × 1³³ अर्थात 2³ हो जाएगा, लोअर लिमिट सबके लिए 0 होता है तो 3 - 2³ गिव्स 1³, इसका आंसर आएगा बच्चों 1 / 3² यूनिट। आई होप आप समझ गए होंगे।